मेरे न्यू सैंडल्स। यार मैं आप सबको क्या बताऊँ, मुझे ये सैंडल्स लेने के बाद मैं इतनी खुशी हो रही है कि मैं ना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब जब से मैंने ये सैंडल लिया ना, मैं इसको देख रही हूँ, पहन के देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको भी एक बार पहन के दिखाओ, मैं सबको दिखाती हूँ। यार ये पहनने के बाद इतने सही लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आप सबको, आप ही देखो अभी खुद। मैं सबको सैंडल्स दिखा रही हूँ ना, कितने मस्त लग रहे हैं। मम्मी आप बताओ, लाने के बाद में मैंने कितनी बार ये पहन के देखे हैं ना। हाँ बहुत बार लेके सोई भी वो बॉक्स को उधर। देखा, अरे जो नई चीज लाते हैं ना घर में, मतलब हमारे लिए हमारी फेवरेट जो चीज होती है ना, फिर उसको लेके सोने में बहुत मजा आता है, उसको देखने में भी बहुत मजा आता है। अच्छी लग रही है ना, उसे बताओ तो। इसको मैं एकदम अच्छे से वापस रख दूंगी, इसको एकदम अच्छे से संभाल के रखूंगी मैं, जैसी थी ना इसको वापस वैसे ही रखते है। ठीक है, इसका ढक्कन कहाँ रख दिया मैंने? वो कागज तो फेंक दे। नहीं मम्मी, वो कागज भी बहुत जरूरी है। पागल हो गई ना साइनल के चक्कर में? नहीं, वो कागज भी जरूरी है। मेरी नानी है, बॉक्स फेंकने जा रही थी, मैंने नानी को रोका कि नहीं बॉक्स नहीं फेंकना है। हाँ नहीं तो बॉक्स फेंक देते, वो रहा वहाँ पे बॉक्स का ढक्कन। सैंडल्स को है ना अभी मुझे एकदम सेफ जगह पे रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर चिक्कू ने देख लिया ना, वो इधर उधर फेंक देगा बॉक्स और सैंडल दोनों को। कहाँ पे रखूँ? नीचे तो नहीं रख सकते, नीचे उसका हाथ जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे नहीं रखूंगी। हाँ ठीक है, मैं कबर्ड के ऊपर सैंडल को रखती हूँ, मेरी प्यारी सैंडल। थोड़ी देर के लिए कबर्ड के ऊपर चली जाना। अब वहाँ से मेरी सैंडल को कोई नहीं देखेगा, मैं मस्त अभी बैठ जाती हूँ यहाँ पे। यार मुझे पता नहीं वो सैंडल पहन के कब बाहर जाने का मौका मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम अच्छे से सैंडल पहनूँ, एकदम मस्त रेडी हो जाओ और अच्छे से बाहर जाओ और सबको मेरी सैंडल दिखाओ। मम्मी हम कब बाहर जाएंगे और कब मैं वो सैंडल पहनूंगी, बताओ ना आप। देखो मैंने वहाँ पे सेफ रखी है मेरी सैंडल, ताकि कोई हाथ भी ना लगाए मेरे अलावा। और खुशी का रीजन है, हम जा रहे हैं आज मॉल में ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए। ये तो लड़कियां तो आप तो रिलेट कर ही चुके होंगे कि जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारी खुशी इतनी हो जाती है, बहुत खुशी होती है सच में। तो आज हम जाएंगे मॉल में। वैसे है ना, मैंने अभी तक पापा को बताया नहीं है, क्योंकि है ना मैं सीधा रेडी हो जाऊंगी फिर ही पापा को बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी बता दिया ना तो पापा सीधा ना बोल देंगे, और मेरे पास है ना यार अभी ड्रेसेस ही नहीं है, मतलब नए ड्रेसेस नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे है ना नए ड्रेसेस चाहिए। यार ऐसे होता है ना, सब लड़कियों को लगता है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं, हमें और नए कपड़े चाहिए, तो मेरे साथ भी यही होता है। चलो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, हम जाएंगे मॉल में। यार लेकिन मॉल में जाने के लिए मैं कौन से कपड़े पहनूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता। मम्मी को आ जाने दो, फिर उसके बाद में मैं मम्मी से ही पूछूंगी। और तू क्या आइसक्रीम खा रहा? अरे बस कर, पूरी खत्म मत कर दे, आगे बचा के रखना पापा के लिए। यार मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अभी जाके पापा को बता के आती हूँ कि हम मॉल जा रहे हैं, क्योंकि यार मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब कितना टाइम लगेगा। वैसे भी मम्मी है ना मुझे आउटफिट चूज करके देगी ना, तब तक मैं ऊपर जाके बता के ही आ जाती हूँ पापा को। शॉपिंग करने ड्रेसेस की। कौन बोला है? मैं बोल रही हूँ। नहीं 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 ना पापा प्लीज। अरे बाबा इतना दुनिया भर के कपड़े आना। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो? वो कृष्णा का माइनक्राफ्ट चालू कर रहा हूँ। नहीं पापा प्लीज ना चलो ना। वो मेरे को कुछ बोलना नहीं, मॉल वॉल अपने जाने का नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नहीं जाना है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को नए कपड़े चाहिए पापा प्लीज। नहीं 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 सीधे जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी फिर। नहीं नहीं पापा मैं कहीं नहीं जा रहा, इतने दुनिया भर के कपड़े हैं और कपड़े लाने जाने का इनको ना, मां को जाने का है। आप नहीं मानोगे पापा? नहीं 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 कहीं नहीं जाने का बाबा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। मैं जा रही हूं, मैं मम्मी को ही बता के आऊंगी अभी। पापा तो मेरी बात ही नहीं सुनते, अभी मम्मी को बताऊंगी ना तो पापा को मानना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए फिर। मम्मी वाह।
सुंदर लग रहे हो। अच्छी लग रही है? हाँ बहुत सुंदर लग रही है। देखो ना, मैंने पापा को बोला कि हमको आज मॉल में लेके चलो, तो पापा नहीं बोल रहे हैं, तो आप चलो मेरे साथ ऊपर। ठीक है ना, मैं देखती हूँ पापा को। तू मेरी साड़ी ठीक करके दे और मेरा मेकअप करके दे, फिर जाएंगे पापा के। मेकअप करके पापा के पास जाएंगे। हाँ ठीक है, बैठो आप यहाँ पे, मैं मेकअप करके देती हूँ। मम्मी पापा को समझा देना आज मुझे को मॉल में जाना है, मतलब जाना है। तो जाना है ना, इसीलिए तो मैं रेडी हो रही हूँ ना। हाँ पापा नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। कैसे नहीं मानते, मैं देखती हूँ। नहीं मानेंगे पापा। तू चुप रह रहे, तू बस कैमरा पकड़ने का काम कर। तो ये जो मम्मी की न्यू साड़ी है ना, आज मम्मी ने पहली बार पहनी है। मम्मी एकदम अच्छे से रेडी हो गए, फिर हम है ना ऊपर जाएंगे और पापा की रिएक्शन देखेंगे मम्मी को देख के। चलो जाके फेस वॉश ही कर लेते हैं, स्किन की अच्छे से केयर नहीं करूंगी तो स्किन तो डैमेज होती ही रहेगी ना। तो मेरे पास सिंपल काइंड स्किन रिफ्रेशिंग फेस वॉश जो बहुत ही जेंटल क्लींजर है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि ये बहुत बेस्ट सेलर भी है, तो चलो इसको ट्राई करके देख लेती हूँ। और वैसे भी सिंपल के सारे फेस वॉश 100% सोप फ्री है, और वैसे भी सोप से है ना बहुत ज्यादा स्किन ड्राई आउट हो जाती है और इरिटेट भी होता है। और मुझे है ना इसका टेक्सचर बहुत ही पसंद है, एकदम क्रीमी एंड जेल जैसा है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फेस वॉश स्किन को बहुत ही स्ट्रेच आउट छोड़ देते हैं और ये स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। बट सिंपल फेस वॉश ने मेरे स्किन को बहुत ही स्मूथ एंड हाइड्रेटेड कर दिया है। और फेस वॉश के बाद में मैं लगाऊंगी सीरम। और आप में से ना काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस कैसे है। और सच कहूँ तो मेरी स्किन पे भी अनइवन टोन है और एक्ने भी कभी कभी आ जाता है। और हमेशा इतना टाइम नहीं होता है ना कि उसको टचअप कर करके कवर अप करते रहो, इससे अच्छा स्किन कैरी कर लेते हैं। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है नियासिनेमाइड, जो कि फ्लॉलेस एंड इवन टोन स्किन के लिए पावर हाउस होता है। इसलिए मैंने कुछ मिनट पहले सिंपल का 10% नियासिनेमाइड प्लस विटामिन B5 बूस्टर वाला सीरम यूज करना स्टार्ट किया। और देखो मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस दिख रही है। और लास्टली मॉइस्चराइजर यूज करना तो बहुत जरूरी है, तो मेरे पास है सिंपल का 2-in-1 मॉइस्चराइजर जो कि SPF 15 इन्फ्यूज्ड है। तो इस मॉइस्चराइजर से मेरी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी एंड धूप में हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करेगी। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको मैं कभी भी कैरी कर सकती हूँ और मैं इन प्रोडक्ट के साथ बहुत खुश हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप भी बाय कर सकते हो। आप सबको मम्मी का फाइनल लुक देखना है। मम्मी है ना हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है। सुनना ठीक है, वो कैसे नहीं बोलते हैं। ठीक है चल। और जैसे वो नहीं बोले फिर आप आ जाना ठीक है। पापा आप नहीं मान रहे, मम्मी ने हाँ बोल दिया मॉल में जाने के लिए। पर मैं नहीं बोल रहा ना। आप अभी भी नहीं बोल रहे हो, अब आप बोलो नहीं। कहाँ जा रही? मॉल में। मॉल में जा रही ना, चलो लेट हो रहा। तो तुमने पहले से डिसाइड करके रखा है अपने मॉल जाने का है? हाँ। और काय के लिए जाने का है? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने, इसके पास कपड़े ही नहीं रहे। क्या बात कर रही? कहाँ कपड़े, मैंने सब दे दिए ना उसके कपड़े। अरे पर है जो जितने है वो ठीक है ना? नहीं ये अच्छा है, भले से तुम कपड़े नए नए खरीद के लाते, इतना सारा शॉपिंग करते, उसको 1-2-3 महीने यूज करते और बांट डालते, वापस जाते नए कपड़े लाने के लिए। हाँ तो फिर थोड़ा बैठा, आज संडे तो तुमको चलो बोलते रहते बस तुम। ये बच्चों का गेम खेलते। अरे वो कृष्णा को चालू करके दे रहा था। चालू कर रहे हो, खेल रहे हो। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा खेल लिया तो। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये पर्पल कलर का टॉप, मुझे ना ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, देखो ना कितना मस्त टॉप है। और ये स्कर्ट। चलो हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। पापा जल्दी नीचे आओ ना।
के लिए। आज तो मजा ही मजा आएगा। मम्मी हाँ? देखो आप है ना पापा को पहले ही समझा दो, वहाँ पे जाने के बाद में पापा फिर बोलते ये नहीं लेना है, ये ऐसी है वैसी है। हाँ आप एक कोने में जाके बैठ जाना, जब मैं आवाज दूंगी बिल करने के लिए तब आ जाना। और आप भी अपने लिए एक जींस ले लेना। क्या? हाँ। क्योंकि ना एक जींस थी वो फट गई है और बाहर जाने के लिए पापा के पास जींस ही नहीं है, अगर धोने के लिए डाली ना तो पापा को घर पे बैठना पड़ेगा। अरे मैं मेरी जींस धो लूंगा, सब कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो मेरा। नहीं नहीं लेकिन लेनी पड़ेगी आपको भी एक जींस, मैं बोल रही हूँ ना पापा। कितना टाइम लगाती थी तू, ये ले और एक। कितने देर से खड़े हैं हम यहाँ पे, कब से वेट कर रहे हैं? हाय सोनल दी। हाय। मम्मी ऐसे ही मिलते हैं। आ गए हम लोग मॉल में। मम्मी आज तो मैं जी जी भर के शॉपिंग करूंगी, बहुत ज्यादा बिल बनाऊंगी पापा आपका। आप भी अपने लिए शॉपिंग करना पापा, मैं आपको है ना एकदम अच्छे अच्छे टी शर्ट दिलाऊंगी। नहीं नहीं मेरे को नहीं लेने का, काफी होता रहने दे, अब तो तुम तुम्हारा देखो। मैंने बोला था हम ग्लोबस में जाएंगे लेकिन पैंटालून में आ गए, यहाँ पे देखते हैं मुझे कुछ पसंद आता है कि नहीं। क्या लूं अभी मैं यहाँ से, यहाँ पे कितने सारे कपड़े हैं, मेरा तो मन करता है मैं पूरा लेके जाऊँ। देखना देखो जो पसंद आ रहा हो। स्मॉल साइज है ना, याद जाएगा एकदम अच्छे से। गर्ल्स बताओ इसका कलर कैसे है, वीडियो में है ना एकदम अच्छे कलर दिखते हैं, ट्राई करके देखती हूँ। देखो पापा है ना मेरे लिए पेंसिल फिट वाली जीन्स देख रहे हैं। अब जब ले रहे तो ले ले, अच्छा हूँ। पापा आप अपने पसंद से चूज करके दो मेरे को। मैं मेरे पसंद से देता, देखते हैं। हम पापा की चॉइस कैसे है? 28 ना, सबसे स्मॉल साइज ही आएंगे। ये ट्राई करके देखो, ये साइज। देखा क्या मेरी चॉइस की जींस अच्छी है कि नहीं? अच्छी है पापा, एकदम मस्त फिट पे आ गई। तो चल चाबस ले ले। मैं वो ब्लैक वाला स्लीवलेस भी ट्राई करती हूं। ये देखो ये रहा ब्लैक कलर का स्लीवलेस, ये एकदम फिट में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, ये वाला पिंक वाला अच्छा है या फिर ये ब्लैक वाला? बहुत भयानक वाला कांड हो गया लॉल। ये देखो मैं ये खोल रही थी ना, ये पूरा ही खुल गया। ओह शिट, लग जा सोनल दी। डोर नहीं खुल रहा, एक मिनट रुका। अब तक मैं सिर्फ 1200 वाली जीन्स ले रही थी, फिर पापा ने मुझे महंगी वाली स्पाइकर की जीन्स लेके दी। तो ये रही मेरी सेकंड जीन्स और ये टॉप टॉप काफी अच्छा लग रहा है ना, बताओ तो गर्ल्स कमेंट में, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। मम्मी के रिएक्शन देखते हैं। चलो देखो मम्मी ने ऑर्डर दे दिया, उधर की चेंजिंग रूम में आ जा क्योंकि है ना यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है उनको। चलो अच्छे है ना जींस, स्पाइकर की जींस है ना, 2500 रुपए और क्या होना। बताओ ना यार ये जींस मुझ पे कैसी लग रही है, पापा ने ना बहुत महंगी जींस दिलाई है मुझे, ये स्पाइकर की जींस है, तो बिल होने के बाद मैं ना ये कपड़े पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद आया यार। चलो आपके लिए भी जीन्स देखते हैं। चलो चलो चलो
चलो ना उसके बाद ही बिल करेंगे हम। तो चलता ना। हाँ। पापा के लिए जीन्स मैं पसंद करूंगी। मेरे पापा कभी अपने लिए कपड़े नहीं लेते, पता नहीं क्यों, बट जब वो कॉलेज में थे तो मम्मी बताती है कि पापा ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कपड़े जूते नहीं पहनते थे। उनकी सभी चीजें ब्रांडेड होती थी, बट जब से मम्मी पापा घर छोड़ के पुणे में रहे कुछ साल, उसके बाद पापा ने अपने लिए कुछ भी खरीदना बंद कर दिया। अब सब मेरे लिए और मम्मी के लिए ही होता है। पसंद की जीन्स ली। मैं कब से पापा को बोल रही थी जीन्स लेते, पापा पहले नहीं नहीं बोल रहे थे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आपका नाम काव्या जी थी? हाँ, मेरा नाम काव्या है। आपका नाम क्या है? मैं आपका हर रोज YouTube पे देखती हूँ। अच्छा, आप देखते हो? हाय। एक सेल्फी लेना था। चलो अभी हम लोग है ना ग्लोबस में चलते, क्योंकि है ना पूरी शॉपिंग हुई नहीं है अभी तक। ठीक है चलो। मुझे है ना जब भी हम ऐसे शॉपिंग पे जाते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है यार, अलग ही लेवल की खुशी होती है। ऐसा तो सेम मेरे पास भी है, मैं यहीं से लेके गई थी। देखो ये पिंक कलर का टॉप कैसे लग रहा है, थोड़ा सा लूज है लेकिन देखते हैं मम्मी से पूछ के। कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है इसका। गर्ल्स आप लोग भी बताओ कमेंट में, थोड़ा सा लूज है लेकिन ठीक है, देखते हैं। वाओ ये टॉप देखो ना कितना मस्त है, चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो मम्मी, सबकी मम्मी ऐसी होती है, डिजाइन ही नहीं पसंद आती किसी के भी मम्मी को, अब वो फैशन है ना। देखो पापा ने भी यही बोला, ठीक है नहीं ले लो। अब मैं हां बोलूं नहीं बोलूं, तुमको जो अच्छा लग रहा है वही लेने वाले। वाओ ये ब्लैक वाला कितना प्रीटी है, देखो ना, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है वैसे भी पापा मुझे ये लेने नहीं देने वाले। तो ये जो शॉर्ट्स है और ये जो पैंट्स है ना, ये ब्लैक कलर की है ना, मैं लेके आई हूँ और यहाँ पे ना चुपके से ट्राई कर रही हूँ। वैसे बताओ कैसी लग रही है शॉर्ट्स? लेकिन ये ब्लैक कलर की पैंट्स तो ले ही सकती हूँ ना, एंड ये सिंपल एंड कंफर्टेबल वन पीस भी ले लेती हूँ। मेरे को लगता है मम्मी है ना बहुत बड़ा चूना लगाने वाली है कूलर के नाम पे। भाव पूछ लिया? नहीं। चलो पूछ के निकल लेते हैं हम बाहर। हवा ठंडी आ रही है, पानी डालने वाले उसमें। हाँ। ये कूलर लिया देख तेरे मामा ने, कृष्णा के लिए, कृष्णा के रूम में लगाने के लिए। मैंने बोला था ना मम्मी कूलर ही लेगी। ले लिया मम्मी कूलर। और क्या दिला रहे हो पापा? आईफोन ले लेंगे, चल आ जा। सच में? कौन सा वाला? 15 लेंगे बस। मैं नहीं मानता। 15? हाँ, आईफोन 15 लेंगे। कहाँ पे? iPhone 14 Pro Max में यहाँ पे तो मतलब फोटो ले लेंगे उसके साथ में एक।
मुझे दिला रहे हो? हाँ मेरे को भी ऐसे लगा आईफोन 15 दिला रहे पापा। भाजीपाला है वो आईफोन 15 दिला रहे पापा। 14 है ना? हाँ तो हाँ ना 14 ना तो कौन बोला 15? पापा आप ही बोले 15, मेरे को लगा लॉन्च हो गया 15। अरे चल ऐसे ही करते पापा। कूलर भी ले लिया, मम्मी का है ना बहुत दिनों से चल रहा था कि है ना कृष्णा के रूम में एक कूलर चाहिए, नहीं तो एसी चाहिए, तो एसी। हाय बिग फैन। थैंक यू पापा। कैसा लग रहा है आपको? आज का दिन कितना अच्छा था ना? महंगा था, बेस्ट डे था आज का। मम्मी की खुशी तो देखो कूलर लेके। तो ये था आज का शॉपिंग डे। तो आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप कौन सी क्लास में हो एंड आपके एग्जाम चल रही है क्या वो भी बताना। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।